a very good morning to all of you today we are going to discuss an important topic of plant pathology that is plant disease epidemics वैसे हमने पहले ही पढ़ा कि एक डिजीज जो होती है प्लांट में वो दो ही कारण हो सकती है या तो इसका जो जिंग फैक्टर है या तो वो एबिक फैक्टर हो सकता है कोई या कोई बायोटिक फैक्टर तो अकॉर्डिंगली जो हमारी डिजीज है प्लांट्स में वो दो तरह की हो सकती है एक होती है इंफेक्शस डिजीज जो एक प्लांट से या एक डिजीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट तक फैलती है और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शस जो ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम द डिजीज प्लांट टू ए हेल्दी प्लांट तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब अगर कोई डिजीज लग गई किसी प्लांट में किसी बायोटिक फैक्टर की वजह से तो उसकी जो तो स्प्रेड है या परपिचुएशन है जो डिजीज का वो कहाँ तक होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द स्प्रेड जैसे वी हैव गॉट एंडेमिक डिजीज एंडोफाइटोटिक डिजीज और एंडेमिक डिजीज इसको बोलते हैं एंड इसी में एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव ए लुक ऑन द डिफिनेशन ऑफ द एपिडमिक्स अगर कहीं पे किसी एरिया में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं मान लीजिए हेल्दी इंडिविजुअल्स और एक इंडिविजुअल को कोई डिजीज लग गई अब ये डिजीज जो है ये बहुत सारे एरिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें लग जाए लेकिन किसी शॉर्ट टाइम पीरियड में तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड एपिडेमिक एपेडेमेशन so, अगर बहुत सारे इंडिजुअल है एक स्पीसीज के अब अगर किसी एक प्लांट किसी एक ऑर्गेनिज में किसी एक इंडिविजुअल में कोई डिजीज लग गई उसके बाद ये डिजीज वही तक सीमित नहीं रहती बल्कि इस पूरे पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करती है या स्प्रेड होती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड में इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एपिडेमिक। इन सिंपल वर्ड्स, वी कैन डिफाइन एपिडेमिक एज एन इंक्रीज ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन तो यहां पे एक और तरीके से भी हम एपिडेमिक को डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्लांट डिजीज ये कैसे चेंज होती है चाहे टाइम में या एक एरिया में सो द डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन प्लांट डिजीज इन टाइम एंड स्पेस इट इज कॉल्ड एपिडेमिक्स और वो वाला सब्जेक्ट जिसमें हम एपिडेमिक्स पढ़ेंगे और वो सारे फैक्टर्स जिनसे एपिडेमिक्स इन्फ्लुएंस होता है इस वाले स्टडी को हम बोलते हैं एपिडेमोलॉजी तो एपिडेमोलॉजी में हम कंसर्न रहते हैं विद द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनमें कैसे एक डिजीज स्प्रेड होती है एंड यू हैव टू नोट डाउन दैट जो एपिडेमिक्स होती है इसमें एक्सटेंसिव लॉसेस और डैमेज होता है एंड ये छोटे एरिया में नहीं बल्कि एक लार्ज एरिया में एक पॉपुलेशन में स्प्रेड होती है अब ये जो इपिडोमोलॉजी है अब ये कंसर्न किससे है ये प्लांट से है या एनिमल से है सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ एपिडीज वन इज एपिडी ऑफ एनिमल डिजीज और दूसरा है एपिडेमोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज अब जो इपिडोमोलॉजी यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक प्लांट पैथोजन कैसे रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल करता है एंड कैसे एक स्प्रेड होती है एक प्लांट पॉपुलेशन में इस वाले स्टडी को दिस ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इट इज कॉल्ड एज इपिफाइटोलॉजी और इपिडोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज इट इज ऑल्सो समीफाइटोटिक्स तो कैसे एक प्लांट पैथोजन, एक प्लांट पॉपुलेशन में कर, कैसे करता है तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वी स्टडी इन प्लांट सॉरी प्लांट इपडोमोलॉजी और इपिफाइटोलॉजी और व्हाट वी कॉल एज इपिफाइटोटिक्स अब बहुत सारे जो प्लांट एपिडेमिक्स जो होते हैं वो लोकलाइज रहते हैं एंड माइनर या मॉडरेट लॉसेस करते हैं लेकिन क्योंकि कुछ एपिडेमिक्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली चेक होते हैं जो नेचुरली कंट्रोल होते हैं फॉर एग्जाम्पल वेदर कंडीशन चेंज हो गई अब जैसे ही वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है इससे जो स्प्रेड है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है इसी तरह हम बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स है ये केमिकल स्प्रेज करते हैं या बहुत सारे ऐसे कंट्रोल मेजर्स करता है ह्यूमन तो इससे भी जो एपिडिक्स है ज्यादा नहीं फैलता लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे जो प्लांट एपिडेमिक्स है ये बहुत ही ट्रमडस लॉस जो है yield का और बहुत सारे एरिया में फैलता है जैसे मान लीजिए वी ट्रस्ट है या सबदर्न कॉर्न ली ब्लाइट है या ग्रेप डाउनी मिल है अब ये ऐसे डिजीज है एक बार फैले तो ये पूरे के पूरे, पूरे प्लांट पॉपुलेशन को कवर कर लेती है एंड अल्टीमेटली जो लॉसेस होती हैं जो प्रोडक्टिविटी होती है, है प्लांट्स की वो बहुत ही डिक्रीज होती है अब इसका एक और इफेक्टर ये भी है कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जो एपिडेमिक्स तो फैलती है जैसे टेस्ट ब्लाइट है या डच एल्म डिजीज है या कॉफी रेस्ट है अब ये ये कुछ ऐसे एपिडेमिक डिजीज हैं जिनकी वजह से बहुत सारे जो अदर जो प्लांट स्पीशीज है वो खत्म हो जाते हैं एंड कुछ एपिडेमिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बींग्स को बोर बहुत सफर होना पड़ा हेयर आई वुड लाइक टू कोट टू मेन एक फेमाइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं इरिश पोटेटो फेमाइन या जिसको बोलते हैं ग्रेट फेमाइन इट कॉल्ड ग्रेट हंगर। ये 1845-46 में हुआ था इट वॉज कॉल्स बाई एंड एंडोपथोरा की वजह से लेट ब्लाइट एपिडेमिक हुआ था पोटैटो में ऑलमोस्ट वन मिलियन डेथ्स डेथ हुई थी इन दिस ग्रेट इरिश पोटैटो फेमाइन सिमिलरली एक और फेमाइन हुआ था वट इज कॉल्ड एज बंगाल फेमाइन ये हुआ था 1943 में एंड जो इसका कॉजल एजेंट था वो था कोक्लेओबोलस एंड इसकी वजह से ब्राउन स्पॉट जो है उसका एपिडेमिक हुआ था इन द राइस एंड इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ऑलमोस्ट 2.1 टू 3 मिलियन डेथ्स ऑकर्ड इन बंगाल ड्यू टू दिस एपिडेमिक ऑफ राइस अब सवाल होता है ये होता है कि हम एपिडेमिक जो है ये क्यों पढ़ते हैं देखिए एपिडेमिक्स का क्या फायदा है अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं जिनका जैसे कोई डिजीज उठती है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जहन में उठते हैं एक सवाल तो ये है कि अब अगर डिजीज हुई तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले हफ्तों में क्या होगा क्या हर कोई प्लांट मरेगा या कुछ ना कुछ बचेगा फसल काटने के लिए इसी तरह अगर हमारे कोई प्लांट पॉपुलेशन हमने कल्टीवेट किए कहीं कहीं पे प्लांट्स तो सारे के सारे इंफेक्टेड हैं या आधे ही सिम्टम शो कर रहे हैं तो कहने कहना यह है कि अगर हमने लॉसेज को रोकना है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द दॉ एंड द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज जब तक हमें कॉज का पता ना चले इफेक्ट का पता ना चले और मैकेनिज्म पता ना चले कि कैसे डिजीज फैलती है हम कैसी स्ट्रेटजी बनाए कि हमारे जो लॉस है वो कंट्रोल में आ जाए नाउ कमिंग टू अदर एस्पेक्ट व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक अब एपिडेमिक के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक डिजीज डेवलप होने में थ्री एम फैक्टर्स होते हैं एक होता है ससेस्टेबल होस्ट दूसरा है पैथोजिन एंड तीसरा है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जब तक ये तीनों आपस में इंटरेक्ट ना करें मैं फिर से दोहराऊंगा जो होस्ट प्लांट है वो ससेस्टेबल होना चाहिए जो पैथोजिन है वो वायरलेंट होना चाहिए एंड जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल होनी चाहिए जाके एक डिजीज डेवलप होती है तो यही जो एलिमेंट्स हैं एक डिजीज डेवलप के यही एलिमेंट्स बनते हैं हमारे एपिडेमिक लेकिन इनके साथ साथ अब जो तीन फैक्टर्स हैं ससेप्टेबल होस्ट एंड पैथोजिन और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन इनके साथ साथ और भी दो अहम फैक्टर्स हैं जो एलिमेंट्स ऑफ सॉरी एपडमिक्स है जिनका बहुत ही अहम रोल है जो चौथा फैक्टर है वो है टाइम का क्योंकि टाइम का एक अहम रोल होता है कि डिजीज कब डेवलप हो जाए डिजीज डेवलप होने में लेंथ ऑफ टाइम का भी एक अहम रोल है तो अगर हम इस चौथे पैरामीटर को इन्वॉल्व करें इस एपिडेमिक में देन वी हैव गॉट ए टेट्राहीड्रॉन हमारा एक टेट्राहीड्रॉन बनता है क्या जिसको हम पैरामिड भी, भी बोलते हैं इसमें चार एस्पेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग पैथोजिन होस्ट एनवायरनमेंट एंड टाइम टाइम का मैं दोहराऊंगा एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ऑन द डिजीज डेवलपमेंट क्योंकि डिजीज डेवलपमेंट या पैंडमिक्स सॉरी एपिडेमिक्स होने में टाइम ऑफ ईयर क्या है ड्यूरेशन क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है फेवरेबल टेम्परेचर की या रेन की या अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट होती है वेक्टर की वजह से या किसी इंसेक्ट की वजह से तो इंसेक्ट कब अपेयर होता है इंफेक्शन साइकिल का क्या ड्यूरेशन है तो ये सारे पैरामीटर्स में टाइम का एक अहम रोल है तो अगर हम चारों कंपोनेंट्स को साथ में मिलाएं, तो हमारा एक डिजीज डिजीज्रोहिड्राम टे, बनता है जिसका वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी डिजीज एक प्लांट में या प्लांट पॉपुलेशन में डेवलप होगी इसी तरह जो और एक फैक्टर है वो है ह्यूमन बीइंग्स का अब जो ह्यूमन बीइंग का इफेक्टर है ये मोस्टली इफेक्ट करता है डिजीज डेवलपमेंट या एपिडेमिक्स इन द कल्टीवेटेड प्लांट्स क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसी कोदी बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं अब ह्यूमन बीइंग की वजह से इसमें तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है कि कौन-कौन से प्लांट्स कहीं पे ग्रो किए जा रहे हैं उनकी प्लांट रेजिस्टेंस कितनी है क्योंकि हमें पता है किसी में ज़्यादा होता है कोई कम रेजिस्टेंट होता है इसी तरह कितने प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं किसी जगह पे नंबर ऑफ प्लांट इसी तरह प्लांटिंग का टाइमिंग क्या है और डेंसिटी प्लांट्स की क्या है जो किसी ह्यूमन बींग ने कल्टिवेट किए हैं और फैक्टर जो ह्यूमन बींग्स की वजह से पड़ता है वो होता है कि ह्यूमन बींग कौन कौन से केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल्स यूज करते हैं इनकी वजह से इफेक्ट पड़ता है कि प्राइमरी इनोकुलम कितना होगा या सेकेंडरी इनोकुलम कितना होगा अवेलेबल टू अटैक द प्लांट्स इसी तरह ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई करते हैं एनवायरमेंट को जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांटिंग होता है या हार्वेस्टिंग होती है वो डिले भी हो सकती है या स्पीड आप जल्दी भी कर सकता है ह्यूमन तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को भी कंसिडर करें तो अल्टीमेटली जो हमारा टेट्रोहिड्रॉन है जिसको हम बोलते हैं डिजीज टेट्रोहिड्रॉन इसमें फाइव फैक्टर्स आते हैं नंबर वन होस्ट नंबर सेकंड पैथोजिन नंबर थर्ड एनवायरमेंट नंबर फोर्थ टाइम एंड नंबर फिफ्थ ह्यूमन बींग्स नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट एपेडमिक्स डेवलप होने में इफेक्ट डालते देर आर फोर मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एपेडमिक्स इन ए प्लांट पॉपुलेशन पहला फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं होस्ट फैक्टर सेकेंड इज एथोजन फैक्टर थर्ड इज एनवेंटल फैक्टर

जो पहला फैक्टर है दैट इज द लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेस्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ द होस्ट प्लांट्स जो थर्ड फैक्टर है होस्ट फैक्टर दैट इज द टाइप ऑफ क्रॉप एंड

बल सॉरी होस्ट प्लांट अब रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस दो टाइप की होती है एक रेजिस्टेंस वो टाइप है कि मान लीजिए रेजिस्टेंस ये है कि एक प्लांट में यह एक होस्ट प्लांट में रेजिस्टेंस इस तरह की हो सक होती है कि अगर कोई पैथोजन है इसके बहुत सारे रेसिस हैं एक पैथोजन है जिसके बहुत सारे जैसे आ, सब स्पीशी होते हैं अब एक प्लांट पैथोजन के बहुत सारे रेसिस हैं तो एक प्लांट में कुछ रेसिस के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस है सब के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं है मतलब ये स्पेसिफिक है इस वाले रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेस स्पेसिफिक या वर्टिकल रेजिस्टेंस मैं फिर से दोहराऊंगा अगर मान लीजिए कोई प्लांट पैथोजन है इसके बहुत सारे रेसिस हैं अब रेजिस्टेंस उन सारे रेसिस के खिलाफ है या कुछ के खिलाफ है कुछ के खिलाफ नहीं है डिपेंडिंग ऑन दैट एंड कितने जीन्स इन्वॉल्व है इन दिस रेजिस्टेंस वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द प्लांट्स एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस या रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जहां पर रेजिस्टेंस जो होती है वो

इसको एक या कुछ ही जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं हम मेजर जीन रेजिस्टेंस मोनोजीनिक रेजिस्टेंस और ओलिगोजीनिक रेजिस्टेंस अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे रेजिस्टेंस जो होती है इट इज to more than one race of pathogens or to many or all races of pathogen ab ek hi race of pathogens ke khilaf resistance nahi hai balki bahut sare races of pathogens ke khilaf resistance present hoti hai ek plant mein is wale resistance ko hum bolte hain horizontal resistance unlike vertical resistance yahan pe jo resistance hoti hai it is governed by many genes or polygenes that is why it is also called no polygenic resistance क्योंकि ये स्पेसिफिक तो नहीं होती किसी खास रेसी क्लॉप दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक जनरल माइनर जीन रेजिस्टेंस मैच्योर प्लांट रेजिस्टेंस एडल्ट रेजिस्टेंस क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस पार्शियल रेजिस्टेंस फील्ड रेजिस्टेंस सो ये सारे के सारे नाम हैं किनके इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के अब आते हैं कि कैसे जेनेटिक रेजिस्टेंस या इफेक्ट डालता है एक है। अब बात है अगर होस्ट प्लांट में वर्टिकल रेजिस्टेंस हो किसी खास पैथोजन के खिलाफ अगर वो वाला पैथोजन अटैक करता है तो डिजीज कभी जो एपिडेमिक है वो कभी डेवलप ही नहीं होगा इसी तरह अगर होस्ट प्लांट है इनमें पार्शल या हॉरजेंटल रेजिस्टेंस है तो इस सूरत हाल में अगर कोई प्लांट पैथोजन आएगा तो कुछ प्लांट जो हैं उनमें डिजीज डेवलप हो सकती है लेकिन कम ही डेवलप होगी क्योंकि रेजिस्टेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहां पर जो एपिडेमिक होने के चांसेस जो है वो कम है अब थी, तीसरा केस जो हमारे पास है वो ये है कि अगर होस्ट प्लांट जो है ससेप्टिबल है अब इनमें चूंकि रेजिस्टेंस जीनिस है ही नहीं तो इफ वाले सिचुएशन में अगर पैथो प्लांट पैथोजन आएगा तो वो इजीली इन्वेड कर पाएगा होस्ट प्लांट्स में इजीली प्लांट डिजीज डेवलप भी होगी एंड इजीली नई इन्फेक्शन भी डेवलप होंगे तो इससे हमें ये इन्फर होता है कि अगर ससेटेबिलिटी ज्यादा हो होस्ट की तो एपिडेमिक होने के चांसेस ज्यादा होते नाउ कमिंग टू द अदर फैक्टर वट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ होस्ट प्लांट्स अगर हम प्लांट्स को देखेंगे एक स्पीशीज में तो जैसे हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज होती हैं तो ये डिफर करती है, एक में gene, जो होती है, अलग होती है दूसरे में कुछ अलग हो सकती है अगर जेनेटिक सेटअप सेम है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी तो कहां तक जो यूनिफॉर्मिटी है इसकी डिग्री कहां तक है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सॉरी Epidemics पे अगर मान लीजिए जो होस्ट प्लांट है वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म है मतलब हर किसी में ऑलमोस्ट सेम ही जेनेटिक सेटअप है अगर इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी तो अब अगर कोई प्लांट पैथोजन आ गया क्योंकि जो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है वो सेम है वो वाले रेजिस्टर जीन है ही नहीं तो इसमें इजिली एपिडेमिक हो सकता है जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं विदाउटेट मान लीजिए रोज प्लांट है या कोई और प्लांट है जिसको हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेक्चुअल रिपोडक्शन होता ही नहीं है तो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है वो बढ़ जाती है या इसी तरह जो सेल्फ पॉलिनेटिड क्रॉप्स हैं इनमें भी जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी जो है वो ज्यादा होती है देन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दो अलग प्लांट जो है आपस में पॉलिनेट कर पाते हैं अब एक के जीन दूसरे में चले जाते हैं जो जो, जो नए सीड्स जो होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स स्प्री होते हैं क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन के या क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से बन जाते हैं तो इनमें दो डिफरेंट प्लांट्स का जेनेटिक सेटअप चला जाता है अब इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मिटी इतनी ज्यादा रहती है नहीं है दैट इज वाई जो वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड क्रॉप्स जो होते हैं उनमें डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं देन दो विचार क्रॉस पॉलिनेटेड अब इसकी एग्जांपल है ब्लाइट ऑन विक्टोरिया ओट्स और दूसरी है सौदर्न कॉर्न ली ब्लाइट अब यहाँ पे ये यह जो डिजीज है ये इनमें एपिडेमिक इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी जो थी होस्ट प्लांट्स की वो ज्यादा थी इस तीसरा फैक्टर जो होस्ट फैक्टर है एफेक्टिंग दैट इज टाइप ऑफ क्रॉप कौन कौन से टाइप ऑफ क्रॉप हम ग्रो हो रहे हैं किसी एरिया में तो इट हैज बीन फाउंड कि जो एनुअल क्रॉप जो होते हैं मान लीजिए कॉर्न है वेजिटेबल्स हैं राइस है कॉटन है इसी तरह फ्रूट डिजीज जो होते हैं चाहे वो ट्रीज के हो वाइन के हो इनमें जो एपिडेमिक है वो जल्दी डेवलप होता है इन कंपैरिज़न विद जैसे हमारे पास वुडी क्रॉप्स होते हैं वुडी क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स हो या फॉरेस्ट ट्रीज हो तो ये देखा गया है कि जो एनुअल क्रॉप है इन एपिडेमिक्स जो होता है वो ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है तो कुछ एपिडेमिक्स जो फ्रूट और फॉरेस्ट्रीज के होते हैं जैसे डच एलम डिजीज है या ब्लाइट है इनमें डिजीज लग सॉरी लग जाते हैं एपिडेमिक्स डेवलप होने में जो लास्ट फैक्टर है होस्ट फैक्टर दैट इज द एज ऑफ द होस्ट प्लांट्स जो प्लांट्स होते हैं आप उनका क्या रिस्पॉन्स है डिजीज वो चेंज हो जाता है विद एज। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर जो होस्ट प्लांट है वो सस्टेबल होता है ग्रोइंग पीरियड में और जैसे ही एडल्ट पीरियड आ जाता है उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच प्रिवेल्स इन प्लांट्स ओनली एट द एडल्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एडल्ट रेजिस्टेंस अब जाहिर सी बात है अब अगर ये अडल्ट स्टेज में जा पहुंचे प्लांट तब जा जाके एपिडिक्स जो है उसके होने के कम चांसेस है इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं लेटर स्टेज में ओल्ड स्टेज में इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है जैसी वो राइपनिंग पीरियड आ जाता है तब जाके उनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है अब उस उस ग्रुप में अगर उस टाइम पे कोई डिजीज लग गई तो उसके फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ द एट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन द एपिडेमिक्स कमिंग टू द दैथोजिन फैक्टर्स दैट एफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक्स देर आर डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू द दैथोजिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक है लेवल्स ऑफ

इसी तरह डिपेंड करता है कि की लेवल क्या है प्लांट पैथोजन ज्यादा वायरुलेंट है या कम वायरुलेंट है मान लीजिए अगर कोई प्लांट पैथोजन ज्यादा वायरुलेंट है कि इफेक्ट करता है तो ऑब्वियस ये बात है कि इसमें जो इनोकलम है वो ज्यादा फास्टर रेट पे प्रोड्यूस होगा एंड अब अगर कोई प्लांट पैथोजन ऐसा है वो लेस है क्योंकि कम अमाउंट में इनोकुलम प्रोड्यूस होगा तो एपिडेमिक होने के कम चांसेस होते हैं सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ऑफ द वायरोलेंस नाउ कमिंग टू द सेकेंड पैथोजन दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द इनोकुलम इनोकुलर हो अब कितना इनोकुलम है ऑब्वियसली बात है अगर ज्यादा नंबर ऑफ पैथोजन हो जैसे बैक्टीरिया है फंगल स्पोर है सिक्लोरोटिया है निमेटोड एग्स हैं वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं अगर ये ज्यादा नंबर में होंगे विद इन और नियर फील्ड ऑफ होस्ट प्लांट तो ज्यादा इनोकुलम पहुंचेगा होस्ट प्लांट पे और जल्दी पहुंचेगा तो एपिडेमिक होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं मैं फिर से दोहराऊंगा जो इनोकुलम होता है मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग प्रोपेगोल चाहे वो बैक्टीरिया हो फंगल स्पोर हो नि्स हो वायरस इंफेक्टेड प्लांट्स हो जितने प्लांट ज्यादा ये होंगे फील्ड के जो होस्ट प्लांट्स के उनके फील्ड के नजदीक तो उतने ज्यादा जो इनोकुलम है वो होस्ट प्लांट तक पहुंच सकता है और उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एपिडेमिक्स होने के थर्ड फैक्टर पैथोजेनिक फैक्टर जो इफेक्ट डालते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अब हर कोई पैथोजन जो है वो बहुत सारी ऑफ प्रोड्यूस करता है कुछ पैथोजन जैसे है बैक्टीरिया है वायरसेस हैं। ये बहुत सारी ऑफ प्रोड्यूस कर सकते हैं जबकिटोड और जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स हैं ये रिलेटिवली कम ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट पैथोजिन फंडे जैसे बैक्टीरिया वायरसेस जो है उनका जो रिपोर्डक्शन साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट है एंड एक सीजन में वो बहुत सारे रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं इनको हम बोलते हैं अब जो, जो पैथोजिन जैसे वो फंगस जो रस्ट कॉज करते हैं मिलडेव या लीफ स्पॉट्स अब ये ज्यादा ज्यादा जो एपिडेमिक्स जो होते हैं वर्ल्ड में ये कॉज करते हैं आप कुछ सॉइल फंड जैसे फ्यूजेरियम है वोटिसिलियम है या कुछ बहुत सारे जो निमेटोड्स हैं ये एक से चार तक मैक्सिमम रिपोर्टेड टू साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में प्रोड्यूस कर सकते हैं अब चूंकि जो नंबर ऑफ ऑफ है वो कम होते हैं इनकी वजह से जो एपिडेमिक्स होने के चांस हैं वो कम रहते हैं बहुत सारे पैथोजिन जैसे सुमर्ट्स हैं या इसी तरह शॉर्ट साइकिल हैं इनको एक साल लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने में इनको हम बोलते हैं मोनोसाइकिल अब ये एक ही सीरीज ऑफ इंफेक्शन एक ईयर में प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो इनोकुलम है वो ईयर टू ईयर बढ़ सकता है तो इसमें जो है एपिडेमिक होने की चांसेस बहुत कम है इसी तरह बहुत सारे ऐसे पैथल हैं जो अपना जो लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं इन मोर देन वन ईयर बहुत सारे साल लग जाते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिटिक अब इन, इन इस वाले केस में एपिडेमिक होने के चांसेस बहुत कम है नाउ कमिंग टू वन मोर फैक्टर इज़ द इकोलॉजी ऑफ दिन अब कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जैसे मोस्ट फंड या कुछ पैरासाइटिक हायर प्लांट जो है वो अपने इनोकुलम जो है प्रोड्यूस करते हैं अब इनोकुलम में जैसे स्पोर्स आते हैं या सीड्स आते हैं वो जो एरल पार्ट्स ऑफ द होस्ट है उन पे अपना इनोकुलम प्रोड्यूस करते हैं अब वहां से जो स्पोर्स और सीड्स जो है ये इजिली डिस्पोज होते हैं बहुत सा, सारे एरिया में और इनकी वजह से जो एपिडेमिक्स है वो स्प्रेड होता है आप कुछ पैथोजन जैसे वेस्टुरल फंजे हैं बैक्टीरिया है मॉलिक्यूल्स हैं वायरसेस हैं प्रोटोजोआ है क्योंकि रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द प्लांट अब इनमें अगर वेक्टर ना हो तो उनके फैलने के चांसेस जीरो हैं या इम्पॉसिबल है आप इन वाले जो पैथोजन हैं इनमें ये तभी एपिटेमिक्स कॉज कर सकते हैं जब इनके वेक्टर जो है वो प्लेंटिफुल हो ज्यादा हो और एक्टिव हो इसी तरह कुछ ऐसे अब ये जो अपना जो इन्फेक्टिव एजेंट जो है या जिनको बोलते हैं ये सॉइल में प्रोड्यूस करते हैं इसकी वजह से जो है वो बहुत स्लोली ही फैलता है एंड एपिडेमिक्स होने के चांसेस बहुत कम है होते हैं दिस इफेक्ट ऑफ द इकोलॉजी ऑफ़ अब एक और जो फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन अब जो स्पोर्स होते हैं बहुत सारे ने फंजे के जैसे जो रस्ट कॉज करते हैं या मिलडेव या लीप स्पॉट्स वो एयर में रिलीज होते हैं अब वहां से वो इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं चाहे एयर ब्रीज हो या स्ट्रॉन्ग विंड हो अब एयरब्रीज या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से ये जो स्पोर्स हैं वो बहुत सारे किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं अब ये जो फंगे हैं इनमें एपिडेमिक्स जो वाइड वा, स्प्रेड एपिडेमिक्स के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके बाद जिनका हाई चांसेस होता है एपिडमिक्स फैलाने में वो होते हैं वो वाले पैथोजन जिनका इनोकुलम एयर बॉर्न वेक्टर्स करते हैं ये कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं बाय एफेड्स, वाइट फ्लाइज या अदर इंसेक्ट्स इसी तरह मॉलिक्यूल जो पॉजिटिविटी बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट होते हैं बाय लीफ हॉपर्स प्लांट हॉपर्स कुछ फाइले ऐसे होते हैं या बैक्टीरिया या इवन नेमेटोड्स वो डिसमिनेट अ डिस्पर्स होते हैं बाय बीटल्स तो इनके चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं अब कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो विंड ब्लोन रेन की वजह से ट्रांसमिट होते हैं जैसे एप्पल स्केब है या बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो चूंकि ये विंड ब्लोन रेन की वजह से अब रेन तो ज्यादा दूर तक जाती नहीं है इसमें जो एपिडेमिक्स है वो लोकल एपिड करते हैं ये विद इन फील्ड या विद इन कंट्री और वैली में ही सीमित रहती है इफेक्ट ऑफ द मोड ऑफ दो मैं फिर से दोहराऊंगा देर आर different factors